The Delhi police on Monday arrested a 38-year-old serial rapist for allegedly sexually assaulting uncountable schoolgirls. The accused, identified as Sunil Rastogi, a tailor by profession, used to kidnap minor girls going to home from school on the pretext of their parents calling them. He used to take the minor girls to a secluded place and would sexually assault them. Divulging details, DCP East Omveer Singh said, 13 दिसंबर 2016 को एक बच्ची जो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, उसको एक मिसक्रिएंट ने बहला फुसला करके एक खाली बिल्डिंग में लेकर के गया और उसके साथ उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया और बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करने का अटेम्प्ट किया। बच्ची चिल्लाई, वो भाग गया। उसके बाद बच्ची ने अपनी माँ को जाकर के सारी बात बताई। उसी दिन से हमने इलाके में मौजूद सीसीटीवी की फुटेज और अवेलेबल लोगों से पूछताछ की। 12 जनवरी सन 2017 दो बच्चियों की किडनैपिंग हुई 2 घंटे के अंतराल में, जिसमें से एक बच्ची को बहला फुसला करके और वो झाड़ियों की तरफ लेके गया था, बट शोर मचा दिया और वो खुद भाग गया। दूसरी बच्ची को भी एक खाली बिल्डिंग में ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये कह करके कि आपके पापा ने मुझे कुछ कपड़े दिए हैं। इसके बाद जब वो बच्चियों को फोटो पुराने वाले दिखाई गई तो उन बच्चियों ने भी उस फोटो को पहचान लिया। इसके आधार पर पुलिस की टीम बनाई गई, इसको कल पकड़ा है और इंटरोगेशन में बहुत सारी चीजें पता लगी हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एक पीडोफाइल क्रिमिनल है। इंटरोगेशन में इसने बताया कि आमतौर से हफ्ते में एक दिन ये रुद्रपुर से आता और अपनी पीडोफाइल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा 7 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था, और खासतौर से उस समय जब स्कूल की छुट्टी हो और कोई बच्ची अकेली इसको मिल जाए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, द रेपिस्ट टारगेटेड द माइनर गर्ल्स नॉट ओनली इन दिल्ली बट इवन इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड।